हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केवाईसी व्हीकल्स, नो योर कमर्शियल व्हीकल्स। आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल और कूलेंट की, जो कि गाड़ी में कंपलसरी होता ही है, जो हर एक गाड़ी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये है मेरे आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है गाड़ी, ये है टाटा एजिप एक्सल 2017 मॉडल। आप उसके सामने में देख पा रहे हैं, ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसकी स्टेयरिंग, ये इसका मैनुअल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इंजन ऑयल कहाँ से पुट कर सकते हैं, कहाँ से कूलेंट पुट कर सकते हैं, कहाँ से कूलेंट चेक कर सकते हैं कि कूलेंट कितना है गाड़ी में, कितना इंजन ऑयल है, कैसे आप उसके स्पेसिफिकेशन एंड ओवरव्यू में आज आपको डिटेल में देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ, ये इसका की है, इसे मैं पुट करता हूँ। पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने की ऑन किया, आप यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वार्निंग लाइट दिखा रहा है। ये वार्निंग लाइट बेसिकली इंजन ऑयल का है, अगर आपका इंजन ऑयल लीक हो रहा है सो आपको ये इंडिकेशन, नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये चला जाता है, वेव ऑफ हो जाता है, पर नॉर्मली आप इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अगर ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये वेव ऑफ नहीं होता या चला नहीं जाता, तो आप समझिए कि आपका इंजन ऑयल कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। सो आपको उसके चीज को समझने की जरूरत होती है और आपका इंजन ऑयल चेक करना पड़ता है, या तो खत्म हो गया इंजन ऑयल या तो वो लीक करके वो खत्म हो जाता है। नॉर्मली इंजन ऑयल खत्म नहीं होता जल्दी, आइदर वो लीक होता तभी वो खत्म होने का चांस रहता, नहीं तो वो जल्दी खत्म नहीं होता। बेसिकली हम लोग इंजन ऑयल जो है वो 10,000 किलोमीटर या 4 महीने के अंदर चेंज कर देते हैं। सो अगर आपकी गाड़ी की रनिंग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है 4 महीने के अंदर, तो आप पहले उसे चेंज कर दें, या तो आप नॉर्मली 4 महीने के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, अगर आपका किसी वक्त गाड़ी हीट हो रहा, लाइक मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें हीट सिंबल नहीं आ रहा है, बेसिकली ये होता है हीट सिंबल। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा एक टेम्परेचर मीटर जैसा, नॉर्मली मैं वापस ऑन करता हूँ, वापस ऑफ करता हूँ, आप ये चीज देख रहे हैं, ये होता है टेम्परेचर। जब आपकी गाड़ी में कूलेंट खत्म हो जाए तो नॉर्मली ये चीज आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगी, तो घबराने की बात नहीं है। उस वक्त आपको समझ जाना है या तो आपका कूलेंट खत्म हो गया या तो कूलेंट का कोई पाइप लीक होके वो निकल चुका है। सो बेसिकली आपको उस चीजों पे ध्यान देना, दो चीजों के डैशबोर्ड की लाइट के बारे में मैंने आपकी अभी इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंजन ऑयल कहाँ से चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल है गाड़ी में कि नहीं है, कैसा है, चलिए देखते हैं। आइए, बेसिकली हर गाड़ी में इंजन ऑयल अलग अलग जगह पे होता है। इस गाड़ी में इसका पीछे साइड से है, नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे, ये इसका बैक साइड है, ये इसका एग्जॉस्ट है, सॉरी। अब ये जो चीज आपको दिख रही है ये होता है गेज मीटर, ठीक है, ये इसका गेज मीटर होता है। आपको ऐसे किसी भी गाड़ी में इंजन में दिखाई दे तो आप समझिए ये गेज मीटर होता है। अलग अलग गाड़ियों में, किसी गाड़ियों में कैबिन में होता है, किसी के इंजन में होता है, किसी के बोनेट में होता है, अलग अलग जगहों पर आप ये चीज देख सकते हैं। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आपको इसको जस्ट खींचना है बाहर जोर से, जैसे आप थोड़ा पावर लगा खींचेंगे ये बाहर आ जाएगा। जैसे ये बाहर आ जाएगा आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं, आपको ऑयल दिख रहा होगा नॉर्मली। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने के लिए। सी दिस, ये जो है यहाँ तक आपको ऑयल दिख रही है, ये यहाँ तक आपको ऑयल दिख रहा है, मतलब लगभग इसमें 2 लीटर्स का ऑयल लगता है। आपको दिख रहा होगा ऑयल यहाँ तक दिख रहा है आराम से। आप इसे नॉर्मली बैक में पुट कर देता हूँ वापस। नॉर्मली से आप वापस से पुश करेंगे तो ये वापस अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर इस आपको इसका जो गेज मीटर है वो कम दिखाई दे तो आप समझिए कि आपका इंजन ऑयल कम है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑयल चेंज करने की। आपको यहाँ पे ये देखा, आपको ये देखा, अब इसी के नीचे जो इसका इंजन ऑयल होता है, जैसे कि ये है इसका इंजन ऑयल का टैंक, ये जो नट आप देख पा रहे हैं, आपको जस्ट इसे ओपन करना है और आपका इंजन ऑयल जिस टाइम आपको चेंज करना है आप इसे सिंपली ओपन करिए, आपका सारा इंजन बाहर आ जाएगा, इंजन ऑयल बाहर आ जाएगा सिंपली। आप जरूरत नहीं है आपको शोरूम में जाने की या किसी मैकेनिक के जाने की, आपको सिंपली इस नट को खोल के इंजन ऑयल बाहर निकालना, वापस इस आप इस नट को डाल देना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसे कहाँ से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पुराने ऑयल को, जब भी आपको चेंज करना रहा पुराना ऑयल को आप निकाल दीजिए और नए आए ऑयल जो है ऑलमोस्ट 2 लीटर का ऑयल लगता है,
ये इसका इंजन है, आप देख पा रहे हैं इसका बैक साइड से मैंने अंदर साइड से खोला है। किसी किसी गाड़ी का आगे होता है, किसी का कैबिन के अंदर होता है, आप अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग देख सकते हैं, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना रहता है। नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा कैब, अभी मैं इसे खोल के नहीं दिखा रहा हूँ। नॉर्मली आपको प्लग प्लास लेके या पकड़ आपके पास जो भी रहेगा, नॉर्मली इसे ओपन करना है, खोलना है। जैसे आप इसको घुमाएंगे ये खुल जाएगा। नॉर्मली आपको फनल ये डायरेक्टली आप इसको डाल दीजिए, इंजन ऑयल यहाँ से डाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंजन पहले आपको निकालना होगा, फिर ही नया इंजन ऑयल डालें ताकि वो नया इंजन ऑयल को एक्वायर करे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा और फिर वो कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ज़रा गौर करिएगा, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसा, ये इसे कहते हैं ऑयल फिल्टर, जो कि आपको इंजन ऑयल के साथ चेंज करना रहता है। तो इसे गौर करिएगा, कंपलसरी नहीं कि आप 4 महीने में इसे भी चेंज करें, अगर ऑयल आप अच्छी कंपनी का ले रहे हैं तो आप इसे 8 महीने में भी चेंज करें, नो प्रॉब्लम, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। नॉर्मली इज अ फिल्टर के जैसा काम करता है, आप ये देख पाएंगे, इसे आप जोर से अगर घुमाएंगे आपको ऐसे गोल जैसा कहीं पे भी समझ में आएगा, छोटा सा रहता है, ऑयल फिल्टर बोलते हैं इसे, इस पर लिखा हुआ भी रहेगा नॉर्मली। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको बेसिकली, हम तो इंजन ऑयल के साथ साथ ऑयल फिल्टर चेंज कर ही देते ताकि वो प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसे बेसिकली चेंज करना ना करना इट्स अ पर्सनल ड्राइवर चॉइस, ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार चेंज करें ही। हाँ, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी होने लगी है, 3-4 साल हो गए हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे से चेंज कर सकते हैं। जब आपकी गाड़ी नहीं है तो इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल में कचरा जाने का चांसेस कम ही होता है, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी फिटेड होता है, आप उसे डायरेक्टली पुट करते हैं और वो काम करता है। जबकि 4 महीने में एक बार डालते हैं तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये तो इंजन ऑयल पुट करने का प्लेस हो गया, इसे कहते हैं रेडिएटर, आप देख पा रहे हैं, जैसे फैन बोलते हैं कम देसी भाषा में, या इंजन ठंडा करने के लिए। ये इसका ढक्कन है, ठीक है, ये इसकी पाइप है, ये जो पाइप है ये बाहर जाती है इस गाड़ी में, कूलेंट का पाइप है ये, जहाँ पे आपका कूलेंट रखा रहता है वहाँ से ये अंदर कूलेंट आता है। अगर गाड़ी गर्म हो जाए तो नॉर्मली कूलेंट से इसे ठंडा किया जा सकता है। ये आपका इसका फैन है जो आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये इसका फैन है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, नॉर्मली इसका फैन है, ये रेडिएटर है और यहाँ से कूलेंट आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड में आपको अगर लाइट्स दिखे तो आप नॉर्मली नीचे से चले जाइए, वहाँ पे आप अपना गेज मीटर निकाल के उस पर नॉर्मली चेक करिए कि इंजन ऑयल है कि नहीं। इंजन ऑयल है तो नो प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि वो कहीं से वायर या कहीं से उसका जो पाइप है वो लीक कर गया होगा, इसके लिए भी वो सिंबल आता है। और अगर कूलेंट खत्म हो जाए तो आप नॉर्मली यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप नॉर्मली इसको ओपन करेंगे, ये हॉट रहता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर गाड़ी गर्म है या गाड़ी रनिंग में बंद हो गई है तो आप इसे नॉर्मली हाथ से ना खोलें, इसे आप आराम से कपड़ा ले या कुछ ले, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो सकता है। तो इसीलिए या तो गाड़ी ठंडा होने दें उसके बाद आप चेंज करें, जैसे आपकी मर्जी हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कूलेंट कहाँ से डाला जाता है। ये है इसका कूलेंट का डब्बा, जैसे कि आप नॉर्मली देख पा रहे हैं, ये इसका कूलेंट है। कई गाड़ियों का कूलेंट अंदर भी होता है, आप इसे नॉर्मली अगर इसे खोलेंगे इसे घुमा के तो आप इसको देख सकते हैं कि कूलेंट दिख रहा है। कूलेंट यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखिए, ये मैक्स है, ये मिनिमम है, जो मैक्सिमम हो सकता है कूलेंट यहाँ तक होना चाहिए, मिनिमम। ये जो पाइप आप देख रहे हैं नॉर्मली, यही पाइप आपके अंदर उस रेडिएटर तक जाता है, तो अगर आपका कूलेंट ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। आपको इंजन ऑयल कहाँ फिल करना है ये भी मैंने आपको बताया, कहाँ से चेक करना ये भी बताया, यहाँ से आप कूलेंट चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। लेट्स बात करते हैं कूलेंट, नॉर्मली आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको, जैसे कि मैंने पिछले बार डाला था, 500 ml भी डाल सकते हैं आप, 1 लीटर में, 1 लीटर नहीं आता है इसमें, इस गाड़ी में, बड़ी गाड़ियों में आप देखेंगे तो 1 लीटर भी डाल सकते हैं। नॉर्मल इसकी अगर कॉस्ट की हम बात करें तो 116, जो कि 100 rupees अराउंड है आधा लीटर। ये वैलियो कंपनी का है। इसके अलावा आप इंजन ऑयल और ये भी चेंज करिए नॉर्मली, आप घर पे भी कर सकते हैं,
आपको स्पेसिफिक मैकेनिक जाने की जरूरत नहीं है, हर चार महीने में आप आइदर बाय कर लीजिए और इंजन ऑयल चेंज करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम टू टाइम सर्विसिंग में दिस आर इंक्लूडेड, आप इंजन ऑयल और कूलेंट देखते रहिए ताकि आपको उसे चेंज करने का पता चल जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। कोई भी आपको डाउट या कोई भी ये रहेगा, प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।